हेलो मूवियंस, तो आज मैं आपको बर्ड बॉक्स इस फिल्म की डिटेल स्टोरी बताने वाला हूँ। ये फिल्म नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म है। इस फिल्म में एक औरत अपने दो बच्चों के साथ नदी के रास्ते एक जगह पे जाने के लिए निकलती है ताकि वो बाकी बचे हुए इंसानों से मिल सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन ये औरत अपने और अपने बच्चों के आंखों पे पट्टी बांध के रखती है और वो अपने बच्चों को बताती है कि बाकी लोग मर चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखें बंद नहीं रखी। तो ये औरत अपने आंखों पे क्यों पट्टी बांध के है, दुनिया के बाकी लोग कैसे मर गए और ये किधर जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो फिल्म की शुरुआत में एक घर के अंदर हम एक औरत को अपने बच्चों के साथ बात करते हुए देखते हैं। उस घर की सारी खिड़कियां बंद होती है और उस घर में हर एक चीज़ को पैक किया होता है ताकि अंदर का कोई भी आदमी बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देख सके। इस औरत का नाम होता है मैलोरी। वो अपने बच्चों को बताती है अब जब वो अपने घर के बाहर निकलेगी तब उन्हें अपने आंखों की पट्टी बांध ही रखनी होगी और अगर वो जीना चाहते हैं तो उन्हें अपने आंखों से कुछ भी नहीं देखना। ये बोलकर मैलोरी दोनों बच्चों के और अपने आंखों पे पट्टी बांधकर दरवाजा खोलती है। वो एक बॉक्स लेती है, उसमें वो अपने बर्ड्स को डालती है क्योंकि बर्ड्स आने वाले खतरे को भी महसूस कर सकते हैं। दरवाजे के पास एक पतली सी रस्सी होती है, वो उस रस्सी को पकड़ के आगे बढ़ती है और उसने नदी के किनारे जो नाव रखी थी उधर वो पहुंच जाती है। तीनों नाव में बैठते हैं, पानी के बहाव पे उनकी नाव चलने लगती है। इसके बाद हमें 5 साल पहले क्या हुआ था ये बताया जाता है। मैलोरी एक आर्टिस्ट होती है और वो अपने घर के बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। वो प्रेग्नेंट होती है और उसके ऑपरेशन डेट पास ही होती है। मैलोरी एक दिन पेंटिंग बनाते रहती है तभी उसकी दोस्त घर में आती है और वो उसको न्यूज़ देखने के लिए कहती है। न्यूज़ में ये बताया जाता है कि रशिया में अचानक लोग सुसाइड करने लगे, ये सब एक वायरस के वजह से हो रहा है ऐसा वो बताते हैं। देखते देखते मरने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच जाती है। मैलोरी टीवी बंद करती है, वो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और अपने दोस्त के साथ वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका बेबी अच्छा तंदुरुस्त है और उसकी डिलीवरी डेट पास ही है। क्लिनिक से बाहर निकलने पर मैलोरी एक औरत को देखती है जो अपने सिर को ग्लास विंडो से पीटती है ताकि वो खुद की जान ले सके। उसके सिर से बहुत खून निकलता है। ये सब देख के मैलोरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने दोस्त को जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए कहती है। अचानक रशिया जैसी सिचुएशन इधर भी क्रिएट हो जाती है, लोग खुद को जिंदा जला लेते हैं, गाड़ी के नीचे आते हैं और कई सारे तरीकों से सुसाइड करते हैं। मैलोरी और मैलोरी के दोस्त दोनों गाड़ी में बैठते हैं ताकि वो अपने घर जा सके। मैलोरी के दोस्त मैलोरी से बात ही करते रहती है तभी मैलोरी के दोस्त को सामने ही कुछ दिखता है। उसके आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो बोलना बंद कर देती है। उसे बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग फीलिंग होती है। इसके पहले कि मैलोरी कुछ समझ सके उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। मैलोरी के दोस्त गाड़ी से निकलती है और चलते हुए ट्रक के सामने आके सुसाइड कर लेती है। अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरता हुए देख मैलोरी शॉक में चली जाती है। हर जगह लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक औरत मैलोरी की यह हालत देखकर उसे सहारा देती है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। तभी वो औरत भी कुछ देखती है और वो एक जलते हुए गाड़ी के अंदर बैठती है और खुद को मार देती है। इसके बाद एक आदमी पीछे से आता है, वो मैलोरी को घर के अंदर लेके जाता है और उसे बोलता है कि अपने आंखें बंद रखे। इस आदमी का नाम होता है टॉम। घर के अंदर बाकी लोग भी होते हैं। टॉम जल्दी से घर की सारी खिड़की दरवाजों को बंद करने बोलता है, बाहर कुछ भी देखने से मना करता है। उस घर में एक और प्रेग्नेंट औरत होती है और उसका नाम होता है ओलंपिया। तो सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैलोरी को घर से बाहर निकले हुए 23 आवर्स हो चुके हैं। उनके पास थोड़ा सा खाना होता है और कुछ कपड़े भी होते हैं। मैलोरी को जब भी बच्चों को कुछ बताना होता है तब वो एक चादर के अंदर अपने आंखों से पट्टी हटाते हैं। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी अपने आंखों पे कोई भी पट्टी नहीं रखता है। तो अब आपको ये लगेगा कि ये आदमी बिना आंखों पे पट्टी बांधे कैसे जिंदा है। इसका जवाब आपको आगे जल्दी ही पता लगेगा। वो उन्हें अपने पास आने के लिए बोलता है और अपने आंखों की पट्टी निकालने को बोलता है। मैलोरी गन और चाकू निकाल लेती है। मैलोरी आदमी के आवाज़ के डायरेक्शन में कुछ गोलियां चलाती है। वो आदमी मैलोरी की बोट के पास आता है। वो उसके आंखों की पट्टी निकालने की कोशिश करता है लेकिन मैलोरी उसको चाकू मारती है और वो आदमी मर जाता है। इसके बाद मैलोरी अपना सफ़र अपने बच्चों के साथ जारी रखती है। फिल्म वापस पास्ट में आती है। उस घर में अब मैलोरी को 1 हफ्ता हो जाता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं। मैलोरी बार बार अपने माँ को कॉल करने की कोशिश करती रहती है लेकिन नहीं कर पाती। इस घर में कई सारे लोग होने की वजह से उनके खाने की चीज़ें भी खत्म होने लगती है। घर के मालिक का मानना ये होता है कि उन्हें घर के बाहर जो कैमराज लगे हैं उसकी मदद से बाहर क्या चल रहा है ये पता लगाना चाहिए। वो कहता है कि अगर वो लोग कैमरा से देखेंगे तो
तो उन पे कोई भी असर नहीं होगा। और अब क्योंकि बाकी लोगों के पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं होता खाना लाने का, इसलिए वो मान जाते हैं। घर का मालिक खुद को एक चेयर पे बांधने के लिए कहता है और सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। कुछ देर तक तो उसे मॉनिटर पे कुछ भी अजीब नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर में वो गिरता है और अपने सिर को जमीन से पटक कर सुसाइड कर लेता है। सब लोग ऊपर आते हैं और जब देखते हैं तो मालिक मर चुका होता है, यानी उस मालिक ने भी कुछ देख लिया जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। इसलिए जो भी चीज़ बाहर है उसको हम किसी भी तरीके से देख नहीं सकते। इसके बाद वो लोग सिटी के ग्रोसरी स्टोर में जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन स्टोर उनके काफ़ी दूर होता है। तभी टॉम एक आइडिया लगाता है। वो कार के पूरे ग्लास को ब्लैक पेंट कर लेता है और GPS के सहारे धीरे धीरे स्टोर में जाने के लिए कहता है। मैलोरी इसके लिए मान जाती है और आधे लोग घर में रुकते हैं और बाकी स्टोर में जाने के लिए निकलते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और स्टोर पे पहुंच जाते हैं। वो लोग अपने आँखों पे पट्टी बांध के स्टोर के अंदर एंटर करते हैं। स्टोर में इतना सारा खाना होता है कि वो सब लोग साल भर जिंदा रह सके। वो जितना हो सके उतना सामान अपनी गाड़ी में डालते हैं और घर आते हैं। अब उनके खाने की प्रॉब्लम सॉल्व ही हुई होती है कि उनके घर में जो लड़का और लड़की होते हैं वो छुपके से एक दिन उस कार में बैठते हैं, ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए निकलते हैं ताकि उनको खुद को खाने की कोई प्रॉब्लम ना आए। उस घर में कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं होती, इसलिए अगर अभी उनको खाना चाहिए तो उनको घर के बाहर तो निकलना ही होगा। ऐसे मैलरी और ओलंपिया की डिलीवरी डेट्स पास आ जाती है। एक दिन घर के दरवाजे पर कोई आदमी जोर जोर से आवाज़ देता है। वो डरा हुआ होता है और वो घर के अंदर आना चाहता है। घर के अंदर के ज़्यादातर लोग उसको अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन एक ओल्ड मैन जो होता है वो उसे अंदर लाना नहीं चाहता, लेकिन उस आदमी को अंदर आने दिया जाता है। उस आदमी की पूरी तलाशी ली जाती है। वो बहुत डरा हुआ होता है। वो बोलता है कि वो और उसके साथी ऐसे ही एक घर में छुपे हुए थे, लेकिन तभी कुछ लोग उस घर में घुसे और उन्होंने अपनी आँखों पे कोई भी पट्टी नहीं बांधी थी। वो लोग मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे और मेंटल लोगों के दिमाग पे उन क्रिएचर्स को देखने का कोई भी असर नहीं होता। मेंटल लोग सब लोगों को घर के बाहर ले गए और सबकी आँखों की पट्टियाँ ज़बरदस्ती खोल दी ताकि वो लोग सुसाइड कर सकें, और ये आदमी उधर से किसी तरह से भाग के इधर आ गया। मैलोरी और बाकी लोग इस कहानी पर बिलीव कर लेते हैं। फिर मैलोरी को लेबर पेंस होने लगते हैं, साथ ही साथ ओलंपिया को भी ऐसे ही होने लगता है। सब लोग मैलोरी और ओलंपिया की डिलीवरी के लिए तैयारी करते हैं। घर के ऊपर वाले कमरे में सब लोग जमा हो जाते हैं। वो जो आदमी बाहर से आया था वो नीचे ही रुक जाता है और वो अजीब अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। एक्चुअली ये भी मेंटल हॉस्पिटल का ही पेशेंट होता है और वो घर के सारी खिड़कियों को खोलना शुरू कर देता है। सब लोग ऊपर ही होते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता। वो ऊपर पहुँच जाता है और देखता है कि मैलोरी का लड़का और ओलंपिया को लड़की हुई है। वो उधर भी खिड़की को खोल देता है। एक बूढ़ी औरत उसे रोकने जाती है, लेकिन वो खिड़की के बाहर देख लेती है और वो सुसाइड कर लेती है। ऐसे ही ओलंपिया की भी जान चली जाती है। मैलोरी अपनी आँखों को बंद कर देती है, लेकिन वो मैलोरी की आँखों ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है। तभी टॉम उस पर गोली चला देता है। अब घर में बस चार लोग बचे हुए हैं, मैलोरी, टॉम, मैलोरी का बेटा और ओलंपिया की बेटी। इसके बाद टॉम और मैलोरी दोनों बच्चों को माता और पिता की तरह बड़ा करते हैं। वो उन्हें आंखों पर पट्टी बांध के चलने लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। टॉम और मैलोरी अलग अलग घर में जाया करते हैं और खाने की तलाश करते हैं। जब वो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तब वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के ही रखते हैं और अपने घर पर रस्सी का एक छोर और दूसरा छोर खुद पर बांधते हैं, और जब भी उनको अपने घर वापस आना होता है वो उस रस्सी को पकड़कर फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ मेंटल लोग बाहर घूमते रहते हैं। मैलोरी और टॉम हमेशा उनसे बचते रहते हैं। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। मैलोरी को एक दिन उसके घर के आसपास कुछ मेंटल लोगों की आवाज़ें आती है। उनके रेडियो पे एक दिन एक आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि उसके साथ कई सारे लोग मौजूद हैं और उन लोगों के पास बहुत सारा खाना पानी और बाकी चीज़ें हैं। वो अपना एड्रेस बताता है तो टॉम उसका एड्रेस मैप पर मार्क करता है। टॉम कहता है कि अगर वो नदी के रास्ते जाएंगे तो उधर पहुंच जाएंगे। टॉम इसके लिए एक नाव भी बनाता है, लेकिन मैलोरी उधर जाना नहीं चाहती। उसको लगता है कि उधर कोई भी इंसान नहीं रहते, ये बस एक ट्रैप है जो मेंटल लोगों ने बिछाया है। खाना और दवाइयों के लिए टॉम और मैलोरी फिर से घर के बाहर जाते हैं। वो दूसरे घर से सब चीज़ें समेट लेते हैं, लेकिन तभी कुछ मेंटल लोग उन्हें देख लेते हैं। टॉम मैलोरी को भागने के लिए कहता है और ये भी बोलता है कि अगर वो 15 मिनट में घर में वापस नहीं आया तो मैलोरी को बच्चों को लेके बोट में बैठ के उस जगह पे जाने के लिए निकलना होगा। टॉम मेंटल लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो लोग टॉम की पट्टी हटा देते हैं। उनके पास बंदूकें भी होती है। टॉम उनके साथ लड़ाई करता है और उन्हें मार देता है। तभी उधर वो क्रिएचर पहुंच जाता है और टॉम उसे जैसे ही देखता है वैसे ही उसकी आँखों का कलर चेंज हो जाता है और उसके हाथ में जो बंदूक होती है उसको वो अपने सिर पे तान लेता है और सुसाइड कर लेता है। मैलोरी क्लॉक में टाइम देखती है
और जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था वैसे अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती है। यानी ये सीन जो स्टार्टिंग का सीन है वही सीन है। और बोट तक जो रस्सी बांधी थी उधर वो पहुँच कर अपना सफ़र शुरू करती है। तो सफ़र के बीच मैलरी ने जिस आदमी को मारा था वो इन मेंटल लोगों में से ही एक था, इसलिए उसकी आंखों पे पट्टी नहीं होती फिर भी जिंदा होता है। और वो मैलरी को पट्टी हटाने के लिए बोलता है ताकि मैलरी भी सुसाइड कर सके, लेकिन मैलरी उसे मार देती है। उनका सफ़र बहुत ही तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है। 42 आवर्स उनको नाव पर कम्प्लीट हो जाते हैं। उनके पास खाना वगैरह कुछ भी नहीं होता। अचानक पानी के बहाव तेज़ हो जाता है। मैलरी ब्लैंकेट के अंदर मैप देखती है। उसे पता चलता है कि अभी वो नदी के सबसे डेंजरस पार्ट में आ चुकी है और उसे जिस जगह पे जाना होता है वो भी बहुत पास होती है। वो स्पॉट आता है और उनकी बोट पलट जाती है। मैलरी और बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैलरी किसी तरह अपने लड़के की आवाज़ से उसे डूबने से बचाती है और किनारे पे पहुँच के उसे लड़की की भी आवाज़ आती है और वो उसे भी अपने पास ले लेती है। अब क्योंकि वो जगह बहुत ही पास होती है इसलिए मैलरी और बच्चे जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। वो बर्ड्स की आवाज़ को फॉलो करते हैं क्योंकि रेडियो वाले आदमी ने कहा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स है। मैलरी और बच्चों के दिमाग में अलग अलग आवाज़ें गूंजने लगती है क्योंकि वो क्रिएचर्स उनके आसपास ही होते हैं। मैलरी भागने लगती है और गिर जाती है। बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। मैलरी किसी तरह उनको पकड़ कर उस जगह पहुंच जाती है, मेन गेट पर खड़ी होती है। वो लोग उसे अंदर आने देते हैं। वो लोग मैलरी और बच्चों को चेक करते हैं कि वो लोग मेंटल तो नहीं है। इसके बाद उन्हें अपने आंखों की पट्टी खोलने कहा जाता है। मैलरी देखती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। वो जगह एक ब्लाइंड स्कूल होती है और सभी ब्लाइंड लोग उस क्रिएचर से बच जाते हैं। मैलरी के बच्चे अपनी ज़िंदगी में पहली बार पेड़ को देखते हैं। वो पहली बार अपने जैसे दूसरे बच्चों को भी देखते हैं। इस तरह मैलरी और उसके बच्चे बच जाते हैं। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म का नाम बर्ड बॉक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि बर्ड्स आने वाले खतरे को सेंस कर लेते हैं और मैलरी मोस्टली उन बर्ड्स से ही खतरों को पहचान लेती है। सो थैंक यू मीवेंस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक आदमी को कुछ सपने आते हैं और वह देखता है कि एलियंस हमला करने वाले हैं। उसकी वाइफ उसे किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन बाद में सच में हमला होता है। तो अब ये चीज़ें इस आदमी के सपने में कैसे दिख रही थी, और यह मूवी कोई नॉर्मल एलियन फिल्म जैसी नहीं है। इसके एंड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, इसलिए इस मूवी की स्टोरी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो क्लिक कीजिए और टाइटैनिक फिल्म की स्टोरी देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।